यह दिवाली याद रहेगी। बच्चों जल्दी करो, बाजार चलना है कि नहीं, माँ ने सामान की सूची लेते हुए कहा। बच्चे दौड़ते हुए कार में जाकर बैठ गए। पूरी शाम बाजार में सामान खरीदते हुए बीत गई। रात में जब खाने की मेज पर बैठे तो पुलकित बोला, माँ क्यों ना हम इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाएं, जो हमेशा याद रहे। वर्तिका को पुलकित की बात उचित लगी, उसने उसकी बात का समर्थन किया। पर कैसे, हम दिवाली को अलग तरीके से कैसे मना सकते हैं कि वह हमेशा याद रहे, माँ ने बच्चों की ओर देखते हुए पूछा। माँ मैंने टीवी पर सुना है कि मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है, क्यों ना इस बार बाजार से मिठाई लाने की बजाय हम घर पर ही कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ व पकवान बनाएं, जैसे गुलाब जामुन, जलेबियाँ, बर्फी व पनीर के पकौड़ियाँ, वर्तिका ने स्पष्ट किया। हाँ यह भी हो सकता है, मैंने कुछ दिन पहले ही टीवी पर जलेबियाँ बनाना सीखा है, माँ ने सहमति जताते हुए कहा। यह सब बनाने में हम भी माँ की सहायता करेंगे, पुलकित ने वर्तिका से कहा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि पापा भी वहां आकर बैठ गए। उन्होंने पुलकित से पूछा, अच्छा बताओ इस बार तुम्हें कौन कौन से पटाखे चाहिए? नहीं पापा, जब इस बार दिवाली अलग तरीके से ही मनानी है तो हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे। हमारी अध्यापिका जी ने बताया है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए, पुलकित ने उत्तर दिया। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं, पापा ने खुश होते हुए कहा। आज दिवाली है, माँ ने घर बहुत सुंदर सजाया है। वर्तिका ने घर के दरवाजे पर बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। शाम को सबने नए कपड़े पहनकर पूजा की और मिट्टी के सुंदर दिए जलाए। तभी वर्तिका व पुलकित की मित्र मंडली भी आ पहुंची। सबने माँ के बनाए स्वादिष्ट व्यंजन खाए, सबको बहुत पसंद आए। फिर सबने मिलकर फुलझड़ी, चरखियां व अनार जलाए। किसी ने भी कान के पर्दे फाड़ देने वाले बम और धुआं फैलाने वाले पटाखे नहीं जलाए। शाहिद अंकल व सबीना आंटी भी अपनी बेटी शाहीन और बेटे शारिक के साथ उन्हें दिवाली पर मुबारकबाद देने आए। पिताजी ने बच्चों को बहुत सी रोचक बातें बताई। उन्होंने कहा, दिवाली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। बंगाल, असम व उड़ीसा में दिवाली काली पूजा के नाम से मनाई जाती है। सिखों के लिए भी यह दिन विशेष होता है। इस दिन को वे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी बात सुनकर शाहिद अंकल बोले, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था, हम अलग अलग राज्यों से आते हैं, हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति व अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। उसके बाद वर्तिका की सहेली मोनिका ने दिवाली पर एक कविता सुनाई जो उसने स्वयं लिखी थी। प्रकाश का पर्व। प्रकाश का पर्व मनाए हम, घी के दिए जलाए हम, सबको गले लगाए हम, ढेरों खुशी लुटाए हम, जो शोर और धुआं फैलाए वे बम पटाखे ना चलाए, हर संभव कोशिश कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए। मोनिका की कविता पर सबने तालियां बजाई। उसके बाद सब बच्चों ने अनार और चरखियों के कारण फैले कूड़े को साफ किया। इसके बाद पुलकित और वर्तिका अपने हाथों में कपड़ों से बने कुछ थैले पकड़े बाहर आए। अरे इनमें क्या है, माँ ने उत्सुकता से पूछा। माँ दिवाली की सफाई करते समय हमने अपने कुछ छोटे कपड़े व खिलौने निकाले हैं, पुलकित ने कहा। आपने इस साल हमें जेब खर्च के लिए जो पैसे दिए थे उन्हें जोड़कर हमने कुछ नए कपड़े, किताबें व खिलौने भी खरीदे हैं।
ये हम पड़ोस की बस्ती के निर्धन बच्चों को देंगे जिन्हें इनकी जरूरत है। वर्तिका ने बात पूरी की। बच्चों की बातें सुनकर माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। सचमुच यह दिवाली हमेशा याद रहेगी, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद सब पड़ोस की बस्ती की ओर चल दिए।